डिमांड की और एग्रीगेट सप्लाई की। और एग्रीगेट सप्लाई में हमने पढ़ा कि दो तरह के अप्रोचेज हैं, एक है हमारे पास न्यू क्लासिकल अप्रोच और एक है हमारे पास कीनीजियन अप्रोच। फिर हमने मजीद पढ़ा कि न्यू क्लासिकल अप्रोच में एग्रीगेट सप्लाई को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक हिस्से को वो कहते हैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और दूसरे को वो कहते हैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व प्राइस अफेक्टेड होती है, वो प्राइस के साथ उसका रिलेशनशिप है, प्राइस हाई होगी तो मार्केट के अंदर इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेंगे, प्राइस कम होगी तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर कम सप्लाई करेंगे। फिर हमने कहा कि एग्रीगेट डिमांड और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का हमने कहा कि वो एक प्रोडक्ट पोटेंशियल पॉइंट होता है, वो एक हमारे पास एक बाउंड्री होती है जो कि बताती है कि हमारे रिसोर्सेज की पोटेंशियल कितनी है, हमारे रिसोर्सेज कितने प्रोडक्टिव है। इस पॉइंट के आगे जाके हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर हमारा किसी रीजन से या मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या किसी भी वजह से हमारे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए, अनलेस एंड अनटिल। फिर हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा और एग्रीगेट डिमांड में हमने पढ़ा कि इकोनॉमी के अंदर जो टोटल डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। फिर हमने इफेक्टिव डिमांड पढ़ा और हमने कहा कि इफेक्टिव डिमांड हमें एक्चुअल इनकम और एक्सपेंडिचर यानी एक्चुअल सप्लाई और डिमांड के मुताबिक बताता है। अगर हमारे पास पोटेंशियल लेवल पर जो हमारा पोटेंशियल लेवल था प्रोडक्ट पोटेंशियल लेवल, अगर उधर एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई होती तो फिर क्या होता, ठीक है ना। तो अगर पोटेंशियल प्रोडक्ट पोटेंशियल लेवल पर रिसोर्सेज प्रोड्यूस होते उधर सप्लाई होती प्रोडक्ट पोटेंशियल लेवल पर, तो फिर हमारे पास डिमांड क्या होता, तो उसको कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो। फिर हम आए कीनीजियन अप्रोच की तरफ और कीनीजियन अप्रोच में हमने पढ़ा कि उसने कहा कि यार ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के किससे छोड़ दें, ठीक है, जब तक रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज ना हो, ठीक है, उस टाइम तक आपकी जो सप्लाई कर्व होगा ये फ्लैट रहेगा और प्राइस आपकी रहेगी कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज होते जाएंगे और आप मजीद प्रोडक्शन करते रहेंगे, ठीक है, मजीद सप्लाई करते रहेंगे, तो फिर आपकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। और उन्होंने इस जो बाउंड्री टाइप चीज है उसने उसको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का नाम दिया, सही है जी। तो ये था पुराना रिविजन थोड़ा सा। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, या इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, कि इकोनॉमी कहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगी। सेम वही कंसेप्ट जो कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा मार्केट इक्विलिब्रियम का या मार्केट इक्विलिब्रियम का, कि जिधर डिमांड क्रॉस करे सप्लाई को, ठीक है, उस पॉइंट को हम कहेंगे कि हमारे पास उधर जो हम कहते थे कि हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम है। इधर जिधर एग्रीगेट डिमांड, मैं ये टर्मिनोलॉजी यूज करूं, एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को क्रॉस कर ले, आई रिपीट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम में जिधर एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट या क्रॉस कर ले, वो पॉइंट हमारे पास होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। हम कहेंगे कि मार्केट मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है जी, या इसको इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इधर सिर्फ एक काम आपको करना पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम में, कि आपको ये कर्व जरूर ड्रा करना होगा। अगर वो आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम पूछे तो ये कर्व ये याद कर ले, नोट कर ले, रट्टा कर ले, जो भी करना है आप लोगों ने, कि आपने ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जरूर ड्रा करना है। और मैंने आपको इसकी रीजन बताई थी कि इसको कहते हैं प्रोडक्ट पोटेंशियल का नाम उसने इनको दिया हुआ है, ठीक है, कि ये हमारे रिसोर्सेज की बाउंड्री है, इससे आगे हम मूव नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कि हमारे पास रिसोर्सेज में इजाफा हो। और रिसोर्सेज में इजाफा कोई भी रीजन हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ जाए या कोई आपके पास कोई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाए जिसकी वजह से आपकी रिसोर्सेज की पोटेंशियल में इजाफा आ जाए, ठीक है जी। तो ये कर्व आप लोगों ने जरूर ड्रा करना है। और जिधर शॉर्ट रन, और ये भी आप लोगों ने LRAS और SRAS, ठीक है ना। तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो तो आप लोगों ने ये चीजें जरूर लिखनी है ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आप कोई चीजें
समझ आ रही है। ठीक है, अगर आप इधर एक सप्लाई लिख लो डिमांड तो थोड़ा सा वो ऑकवर्ड सा लगेगा ना। ठीक है जी, तो आई रिपीट कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम या जिधर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो पॉइंट होता है जिधर एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट कर ले एग्रीगेट सप्लाई को, या वाइस वर्सा एग्रीगेट शॉर्ट ऑन एग्रीगेट सप्लाई कर एग्रीगेट डिमांड को इंटरसेक्ट कर ले, तो ये हमारे पास होगा इक्विलिब्रियम। यहाँ हमारे इकोनॉमी के अंदर डिमांड बराबर होगी टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर होगी। तो जी यहां तक पूछे, बाकी तो है वही पुराना काम। देखिए ये अपन है ना इक्विलिब्रियम वियर, ये शॉर्ट रन जहां इज इक्वल टू या इंटरसेक्ट कर ले, ठीक है ना। ठीक है, तो शॉर्ट रन में अगर वो इंटरसेक्ट करे, क्योंकि दोनों प्राइस इफेक्टेड होते हैं ना, लॉन्ग रन में तो प्राइस इफेक्टेड नहीं होता। जी इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? जी आसिफ अहमद, सलमान जी, शमीर, मुस्कान, इकरा शाह, बस पूछे। सही है जी, तो वही पुराना काम, सिर्फ हमें जो काम करना पड़ा वो ये करना पड़ा। ठीक है जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारा इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल अगर हमारा फॉर एग्जांपल प्राइस इधर कहीं होगा, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा कि अगर प्राइस इधर कहीं है तो सप्लाई हमारे पास ज्यादा होगी डिमांड कम, तो प्रोड्यूसर को मजबूरन सप्लाई थोड़ी सी प्राइस कम करने पड़ेगी, ठीक है। और अगर प्राइस इधर कहीं हो डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, तो प्रोड्यूसर को थोड़ी सी सप्लाई ज्यादा करनी पड़ेगी और प्राइस को हाई करना पड़ेगा। इन शॉर्ट कि इनको प्राइस इधर लाना होगा। अगर डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, तो उसको प्राइस कम करके इधर प्राइस को लाना होगा, और अगर सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा है तो उसको फिर मजीद स्टॉक को प्रोड्यूस करना होगा, मजीद गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होगा, ताकि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को अचीव कर ले। क्लियर जी, तो इसमें सिर्फ यही था। तो सर आप जल्दी जल्दी दिशा वासी इनको एक नजर देख लें, इस टर्मिनोलॉजी में कोई कंफ्यूजन है ये तो आप खुद भी इंशाल्लाह इतने आप समझ गए होंगे कि इस डायग्राम को किस तरह एक्सप्लेन करना है। कि फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि ठीक है जी कि ये हमारे पास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारे पास लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है, जो जिसको प्रोडक्ट पोटेंशियल का नाम भी दिया जाता है। इधर आप नेशनल आउटपुट ले ले या जीडीपी ले ले या नेशनल इनकम ले ले, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है जी, जिधर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पॉइंट ई है, इस पर एग्रीगेट डिमांड सप्लाई ने शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को क्रॉस किया, तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आया। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल प्राइस इधर कहीं होती पी वन, तो इधर शो क्या करते हैं कि हमारे पास सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम, तो प्रोड्यूसर क्या कर लेंगे, प्रोड्यूसर प्राइस को डिक्रीज कर देंगे ताकि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को अचीव कर ले। और अगर फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास ये प्राइस होती, तो इधर हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कम और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा और एग्रीगेट सप्लाई कम, तो वो प्राइस को थोड़ा सा हाई करके वो इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट था वही, बस ये रिपीटेशन है उसकी चैप्टर 3 की, बस यही एक कर्व, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम में या एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के इक्विलिब्रियम पॉइंट में ये आप लोगों ने भूलना नहीं है बस। ठीक है, अगर आप ये ड्रा कर लो और ये ड्रा ना कर लो ना, तो फिर मसला बनेगा, तो फिर सारा गलत हुआ ना फिर। ठीक है, क्योंकि आप हम एज ए होल पढ़ रहे हैं ना, आगे जाए फिर। अब चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल वही पुराना काम, इसको तो आप ड्रा कर लेंगे। फर्स्ट तो आपका यही होगा कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का डायग्राम या सवाल आ जाए तो इस किस्म का, तो ये पहले स्टेप में आप लोगों ने ये करना है। क्लियर जी, फिर हमारे पास है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारे पास कांस्टेंट रही,
लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पास है पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिधर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से इकोनॉमी के अंदर हमारी सप्लाई कर्व कांस्टेंट रही जबकि एग्रीगेट डिमांड ने डिमांड में इंक्रीज आए, ठीक है ना, कोई भी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से डिमांड में इंक्रीज आ गए इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास सप्लाई कर्व तो हमारी वही की वही रही, लेकिन एग्रीगेट डिमांड ने यहाँ से यहाँ जब इंक्रीज फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज आने की वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड अब ये बनेगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो नया पॉइंट होगा हमारे पास फिर ये पॉइंट होगा, तो हमारी प्राइस बढ़ जाएगी। इसके वाइस वर्सा भी हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड में कमी आ गई तो फिर इधर कहीं प्राइस होगी, क्लियर जी। तो वही पुराना काम कि सप्लाई कर्व को अगर आप कांस्टेंट रखते हैं, मतलब एक ही रखते हैं और एग्रीगेट डिमांड हमारा चेंज होता रहता हो तो फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट को किस तरह डिटरमिन करना होगा। ये इधर हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट रही जबकि हमने डिमांड कर्व को सिर्फ मूवमेंट दी, क्लियर, और इधर हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कांस्टेंट और सप्लाई कर्व को हमने मूवमेंट दी। जरा ये पूछे शाबस, इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन? जी जी अहमद, खाकान, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, सही है। चेंज इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर, हम लॉन्ग रन को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, ठीक है। लॉन्ग रन में तब चेंज होगा अगर कोई एक्सपेंशन वगैरह हो जाए, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई अगर हमारे पास इसमें चेंज आ जाए जबकि हमारे पास डिमांड कर्व हमारे पास कांस्टेंट रहे, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला डिमांड कर्व ये एग्रीगेट डिमांड कर्व और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये, तो ये थी हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास जीडीपी या नेशनल इनकम थी या आउटपुट, ठीक है, और ये हमारे पास ओवरऑल प्राइस लेवल था इकोनॉमी के अंदर ये, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट था, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट या एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है जी। जब हमारे पास डिमांड कर्व तो वही का वही रहा लेकिन सप्लाई में इंक्रीज आया, तो सप्लाई में इंक्रीज होने की वजह से हमारा कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन उसने ओवरऑल प्राइस पे क्या इफेक्ट डाला, ओवरऑल प्राइस पे डिक्रीज हुई क्योंकि डिमांड तो हमारे पास वही वही की वही कर रही, लेकिन सप्लाई में इंक्रीज आने की वजह से और ऑल इकोनॉमी के अंदर प्राइस गिर गई। इसमें भी भाई आप लोग पूछे शाबाश, सबा मुस्कान, इकरा, सब आपने लेट ज्वाइन किया, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले शाबाश। तो ये वही पुराना काम है बस सिर्फ, लेकिन ये कर यार आई रिपीट कि मैं थोड़ा सा रिपीटेटिव हो गया, लेकिन ये कर नहीं बोलना आप लोगों ने, क्लियर जी। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में ये कर नहीं बोलना अगर सवाल आ गया तो। अब ये देखें कि अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों में चेंज आए तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास हुआ क्या, यहां से शुरू करते हैं पॉइंट ए से। ये रहा हमारे पास, ये तो आप लोगों ने ड्रा करना है। अब होप्स हो कि आपको नींद में भी
नजर आएगा कि ये कर्व ड्रा करना है। ठीक है जी, ये हमारे पास रहा पहला हमारे पास AD1 एग्रीगेट डिमांड कर्व, और ये हमारे पास रहा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, ये मेरे पास रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर जी। अब फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के अंदर सप्लाई हमारे पास यही रही शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, लेकिन एग्रीगेट डिमांड में डिक्रीज आ गया। ठीक है जी, जब एग्रीगेट डिमांड में डिक्रीज आ गया और कर्व हमारे पास ये रही, तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व है वो हमारे पास लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब इतना तो आप लोग समझ गए हो ना कि जब एग्रीगेट डिमांड कर्व में और सप्लाई कर्व में चेंज आता है तो अगर इंक्रीज डिक्रीज तो किस तरफ मूव करता है, ये तो मतलब इतना तो समझ आ गया ना। तो एग्रीगेट डिमांड में अगर डिक्रीज आता है तो हमारे पास वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो हुआ क्या, हमारे पास ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये बनेगा। ठीक है, इन्होंने यहां से यहां मूव कर लिया और ये हमारे पास रही ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल। ठीक है जी, फिर इन दो पॉइंट्स में एबी पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन जी, एबी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन समझ आ रही कि नहीं? आप लोगों ने यहां से शुरू करना है ये। ठीक है जी, हमारे पास शुरू यहां से, हमारे पास इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट यही है, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है जी, हमारे पास सप्लाई कर्व कांस्टेंट रहा जबकि हमारे पास एग्रीगेट डिमांड के अंदर डिक्रीज आ गई। तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर डिक्रीज आने से हमारे पास ओवरऑल प्राइस जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी के अंदर गिर जाएगी। क्लियर जी, फिर हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे पास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में भी डिक्रीज आ गया। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में जब डिक्रीज आ जाता है तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब ठीक है जी लेफ्ट की तरफ। ठीक है जी, तो हुआ क्या कि हमारे पास अब ये हमारे पास ये डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व रहा। ठीक है जी, AD2। ठीक है जी, जबकि सप्लाई में डिक्रीज आ गया, तो सप्लाई में डिक्रीज आने की वजह से हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बना और ये रहेगा हमारे पास प्राइस। तो ये इस तरह उन्होंने बनाए हुए। ठीक है, तो उन्होंने एक ही कर्व में आपको सप्लाई की मूवमेंट भी दिखाई। देखो, उन्होंने ये दो मुख्तलिफ कर्व जो है ना, ये दो मुख्तलिफ कर्व उन्होंने एक ही कर्व में मर्ज कर लिए। ठीक है जी, तो अगर आपको ये दोनों क्लियर हैं, ठीक है, अगर आपको सप्लाई और डिमांड की मूवमेंट का पता लग जाता है कि सप्लाई अगर इंक्रीज डिक्रीज होती है तो उसकी कर्व राइट या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती है, और डिमांड में अगर इंक्रीज डिक्रीज होती है तो उसकी कर्व किस तरह शिफ्ट होती है, तो फिर इंशाल्लाह आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है एग्रीगेट सप्लाई में इंक्रीज डिक्रीज की वजह से किस तरफ वो मूव करती है, या एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज की वजह से वो किस तरफ मूव करती है, तो अभी से आप काइंडली पूछिए। ठीक है, इसी तरह ये भी है। ठीक है ना, इस तरह उन्होंने वो करवा दिया है। तो जरा पूछिए अगर कोई कन्फ्यूजन है तो शायद पूछे। बस इसको भी आप फिर खुद देख लीजिए। आई रिपीट कि अगर किसी को एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की शिफ्ट में कोई मसला आ रहा होगा, अगर वो उसमें शिफ्ट होगी तो अगर इंक्रीज आएगा तो कर्व किस तरफ मूव करेगा, डिक्रीज आएगा तो कर्व किस तरफ मूव करेगा, इस तरह एग्रीगेट सप्लाई में भी, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में भी, क्योंकि लॉन्ग रन तो वही, ये तो है ही बस कॉन्स्टेंट टाइप की चीज जी। ठीक छो जी, नोटम क्लियर छो, फुल पे छू कहना। अच्छा, अब ये इंशाल्लाह ये आप घर में कर लें, फिर भी कोई कंफ्यूजन हुआ तो पूछ लें। ठीक है ना, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, आउटपुट गैप, आउटपुट गैप क्या होती है, जब आपकी पोटेंशियल जीडीपी में या पोटेंशियल आउटपुट में और आपकी एक्चुअल आउटपुट में, इकोनॉमी के अंदर एक्चुअल आउटपुट में जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम कहते हैं आउटपुट गैप। आई रिपीट कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के अंदर जितनी पोटेंशियल थी उस
उनका और जो हम अभी एक्चुअल सिचुएशन में खड़े हैं, ठीक है, जो हमारे अभी एक्चुअल आउटपुट है उनके डिफरेंस को कहते हैं आउटपुट गेन। मैं आपको इसी मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी के अंदर ये पोटेंशियल है कि जस्ट इज्यूम कि वो वन फॉर एग्जाम्पल वो 10 बिलियन की प्रोडक्शन कर लें, उसकी पोटेंशियल ये प्रोडक्ट पोटेंशियल फॉर एग्जाम्पल 1 बिलियन की, जस्ट इज्यूम 10 बिलियन की, सॉरी, क्लियर जी। और उसने जो किया, जो प्रोडक्शन की इकोनॉमी के अंदर जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बना, ठीक है, जो एक्चुअल आउटपुट उसने की वो बनी फॉर एग्जाम्पल 5 की, क्लियर जी। तो अब ये जो 5 मिलियन का जो डिफरेंस है ना, इसको कहते हैं आउटपुट गैप। सो जो आपकी पोटेंशियल थी उस लेवल उस, और जो आपकी जो रियल जो आपने प्रोडक्शन की इकोनॉमी ने जो प्रोडक्शन की उनके डिफरेंस को कहते हैं आउटपुट गैप। मैं आपको मिसाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपकी पोटेंशियल है कि आप पर डे 6 घंटे पढ़ें, अब इज्यूम पोटेंशियल है, या 8 घंटे पढ़ें, लेकिन आप जो रियल पढ़ते हैं ना वो आप पढ़ते हैं 2 घंटे, ठीक है, तो ये 4 या 5 घंटों का जो गैप है उसको कहते हैं आउटपुट गैप, ठीक है जी। ये नाम ही से जाहिर है आउटपुट गैप, कि आप पोटेंशियल है कि 6 घंटे पढ़े लेकिन आप पढ़ते हैं 2 घंटे, ठीक है ना, तो कितनी की गैप आई आउटपुट की, तो इसको कहते हैं 4 घंटे, ठीक है। तो इन चीजों को कहते हैं आउटपुट गैप। आप आउटपुट गैप, अच्छा इसमें कोई कंफ्यूजन, आउटपुट गैप में कोई कंफ्यूजन, बस ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर में, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, बाकी छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो 2-3 दिन में हो जाते हैं जी। आउटपुट गैप में कोई कंफ्यूजन, ठीक है। सो पोटेंशियल जीडीपी और जो रियल जीडीपी में जो डिफरेंस है ना, इसको कहते हैं आउटपुट गैप। अब आउटपुट गैप 2 तरह की होगी, ये इंपॉर्टेंट है, या तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा या डिफ्लेशनरी गैप होगा, 2 बातें होंगी। अगर आउटपुट गैप होगा तो आउटपुट गैप को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, या तो वो होगा इन्फ्लेशनरी गैप या वो होगा डिफ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशन क्या चीज है, इन्फ्लेशन मैंने आपसे पहले कहा था कि जब चीजों की कीमतें कंटिन्यूसली बढ़ रही हो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन, और उर्दू में उसको कहते हैं अफरातजर, नाम सुना होगा शायद न्यूज वगैरह में। तो जब कंटिन्यूसली या परसिस्टेंसली चीजों की कीमतें बढ़ रही हो तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, और इसके अगेंस्ट जो एंटीनम्स चलता है, जो इसके अगेंस्ट फोर्स चलती है, उसको कहते हैं डिफ्लेशन। जब चीजों की कीमतें गिर रही होती है तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे आगे, हमारे जो चैप्टर है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन स्टैगफ्लेशन, ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इसको हम आगे, लेकिन यहाँ आप इतना समझें कि इन्फ्लेशन को आप समझें कि जब चीजों की कीमतें परसिस्टेंसली या कंटिन्यूसली बढ़ रही हो तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। और आउटपुट गैप फिर 2 तरह की होगी, या तो वो इन्फ्लेशनरी गैप होगा या डिफ्लेशनरी गैप होगा। अभी जो इन्फ्लेशनरी गैप है ना, ये थोड़ा सा मतलब अजम्पशन बेस्ड है, थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट टाइप है, आपको शायद थोड़ा सा अजीब सा लगे कि जब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके प्रोडक्ट पोटेंशियल के बियॉन्ड बने तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। हमारे पास पोटेंशियल ये थी, प्रोडक्ट पोटेंशियल, ठीक है, और उन्होंने खुद लिखा भी कि हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अब उसने खुद लिखा कि यार ये किस तरह मुमकिन कि इकोनॉमी बियॉन्ड द प्रोडक्ट पोटेंशियल काम कर रहे हैं, ठीक है जी, तो ये किस तरह मुमकिन है। तो उन्होंने फिर खुद लिखा है कि यार ये थोड़ी सी अब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी है, जी, ठीक है जी। तो इन्फ्लेशनरी गैप, जब आप प्रोडक्ट पोटेंशियल के बियॉन्ड आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बने, ये हमारा था प्रोडक्ट पोटेंशियल पॉइंट, जो आप लोग अभी समझते हैं कि हमारे प्रोसेसर की कैपेसिटी यहां तक की, ठीक है, हम प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर।
लेकिन हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बियॉन्ड प्रोडक्ट पोटेंशियल बना, इधर बना, हमारे पास शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व ने यहां अपने आप को इंटरसेक्ट कर लिया, तो ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है जी, तो इस पे हमने डिबेट्स नहीं करने की, ये सर किस तरह मुमकिन है, ये तो खुद लिखा हुआ गया थोड़ा सा यार ये किस तरह मुमकिन है, लेकिन इतना आप लोग समझें कि जब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रोडक्ट पोटेंशियल के बियॉन्ड बने, उससे बाहर बने, नॉर्मली मुमकिन नहीं है, बड़े रियर सिचुएशन में हो सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, और मिले कि दिस इज नॉट सस्टेनेबल विदाउट एलान शिफ्ट, अनलेस एंड अनटिल के आपका ये कर्व इधर कहीं शिफ्ट हो जाए, अनलेस एंड अनटिल, नॉर्मली ये मुमकिन नहीं है। जरूरी तो नहीं कि लॉन्ग रन डिपेंड करते हैं, मुमकिन है कि लॉन्ग रन एग्रीगेट आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसके अंडर भी बन सकती है, बिल्कुल, ये इसकी एक एक्सेप्शन है ना, एक एब्स्ट्रैक्ट, सलमान भाई एक एब्स्ट्रैक्ट चीज आई ना हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर बनती इक्विलिब्रियम पॉइंट तो फिर तो चलो लॉजिकल बनता था कि हमारे रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। अब मेरी बात समझे सलमान, अब डिफ्लेशनरी में हम यही पढ़ेंगे, लेकिन ये एक अजीब सी चीज आ गई, हम ये पॉइंट तब अचीव करते कि जब हमारे ये लॉन्ग रन इधर आ जाता, ठीक है ना, कॉमन सेंस तो यही कहती है ना, लेकिन हुआ क्या कि अब हमारे पास जो हमारी जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हैं ये तो इधर कहीं बन रही है और हम इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर अचीव कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसके बियॉन्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा है, लेकिन उसने किताब में दिया है तो हमने भी कहा कि यार डिफिनेशन में हम लिख लेंगे कि इन्फ्लेशनरी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अचीव्ड या व्हेन द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट बियॉन्ड द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है, और फिर हम ये कर्व बना देंगे। तो तीन चार नंबर के लिए वो आपसे पूछे, हाँ वो आपसे रीजन नहीं पूछ सकता कि यार ये क्यों, ये इकोनॉमिस्ट का काम है, वी आर अकाउंटेंट, ठीक है जी, तो आपसे पूछ सकता है कि यार इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, ठीक है जी, वो आपसे ये पूछ सकता है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि यार जरा आप इसको ड्रा कर दें, क्लियर, तो वो आपसे ये पूछे, लेकिन आपसे ये पूछ, ये क्यों, मतलब इसकी रीजन दे कि ये क्यों बियॉन्ड बना, मुझे नहीं लगता कि वो इतना आपसे पूछेगा इस लेवल पर, क्योंकि ये तो इकोनॉमिस्ट का काम है। तो आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, तो इसमें कोई कंफ्यूजन, चार नंबर के लिए ज्यादा से ज्यादा पांच नंबर के लिए आपसे पूछेगा इन्फ्लेशनरी गैप क्या होती है और उसका कर्व ड्रा कर ले, तो बस चार पांच नंबर के लिए इतना ही काफी है, बाकी इस पे इतना सोचे मत, वी आर नॉट द इकोनॉमिस्ट, वी आर द अकाउंटेंट, वी आर गोइंग टू बिकम इंशाल्लाह एन अकाउंटेंट रादर देन इकोनॉमिस्ट, ठीक है जी, पूछे शाबाश, अगर आपको बहुत शौक हो तो फिर जाके किताबी वगैरह पढ़ ले, सर्च कर ले गूगल वगैरह, यार वो अलीहदा चीज थी सदीक भाई, भाई मेरा वो एक अलीहदा पॉइंट था, ठीक है, वो भी अचीवेबल था अगर आपकी टेक्नोलॉजी वगैरह में कोई चेंज आ जाए, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये उन्होंने खुद लिखा है कि दिस इज नॉट ए सस्टेनेबल विदाउट ए लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन लॉन्ग रन, ठीक है जी, और उसने ये भी कि ये किस तरह मुमकिन है उसने आपको खुद बता भी दिया ना, तो इस पे मेरे ख्याल से डिबेट करने का कोई फायदा नहीं होगा, चार नंबर के लिए हम इस पे इतना टाइम वेस्ट कर लें, बस इतना समझे कि अगर इन्फ्लेशनरी गैप या अगर आपको डिफिनीशन समझ आ गई है और आपको ये भी समझ आ गई कि बियॉन्ड प्रोडक्ट पोटेंशियल आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, प्रोडक्ट पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, तो बस ये अब मेरा समझ में कि आप लोगों ने अचीव कर लिया, ठीक है, तो डिबेट का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, बाकी आप लोगों की अपनी मेरे को बहुत शौक हो तो किसी दिन बैठ के गप लगा लेंगे इस पर, लेकिन एग्जाम के बाद जी, किसी और का कोई सवाल, जी ना, इसमें देखो सलमान भाई मेरे इसमें रट्टी की बात ही नहीं है, इसमें रट्टी की आपकी, ठीक है, समझ मतलब समझ के, ठीक है, सिंपल सी बात है कि आउटपुट गैप आप क्या होती है, आउटपुट गैप जब रियल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं आउटपुट गैप। आउटपुट गैप दो तरह के हैं,
चलो मैं इसके बाद दोबारा आ जाता हूँ। पहले मैं जाता हूँ डिफ्लेशनरी गेम। डिफ्लेशनरी गेम में तो कोई मसला नहीं है, ये उन्होंने इन्फ्लेशन की डिफिनीशन बताई जो मैंने आपसे कहा, और इसको आप पढ़ लीजिए आगे जाके हमारे पास, तो हम दोबारा करेंगे। ठीक है, अब डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है जी, डिफ्लेशनरी गैप क्या होती है? डिफ्लेशनरी गैप जब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, इन अदर वर्ड्स जब आपकी एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट कर ले आपने बस में, और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के अंदर अंदर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम कहेंगे कि ये डिफ्लेशनरी गैप है। और इन अदर वर्ड्स कि आपके रिसोर्सेज अभी फुली यूटिलाइज्ड नहीं हो रहे हैं, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर कहीं बन सकता था, फॉर एग्जांपल इधर कहीं बन सकता था, क्लियर जी, लेकिन हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इधर बना दिया, हमने डिमांड और सप्लाई इस पॉइंट पे कर ली, तो हमारे इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल इतनी थी रिसोर्सेज की कि वो इधर कहीं जाके इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करता। ठीक है, उसने आगे जाके विद इन द पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर लिया, तो इस के डिफरेंस को कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इन अदर वर्ड्स के हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर जी, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप वो ये डिफ्लेशनरी गैप में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये तो आसान है कि जब आपके प्रोडक्ट पोटेंशियल के अंदर अंदर जो आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट बने, ठीक है जी, इधर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बना, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर कैपेसिटी थी कि वो इधर आके जाके अपना पॉइंट अचीव कर लेता, लेकिन उसने इधर आके अचीव कर लिया, तो ये हमारे पास हुआ इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और इसको कहते हैं ये जो डिफरेंस होगा ना, ये जो हमारे पास, ये हमारे पास रियल आउटपुट, ये हमारे पास रियल आउटपुट और ये हमारे पास पोटेंशियल आउटपुट थी, प्रोडक्ट पोटेंशियल आउटपुट, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? डिफ्लेशनरी के जी। इसमें कोई कंफ्यूजन? डिफ्लेशनरी गैप में कोई कंफ्यूजन? मुस्कान आप पूछे, शाह डिफ्लेशनरी गैप में पूछे जी, सलमान जी, खालिद, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक शिव जी, अब आगे, अब आ गए, ये तो हमारा डिफ्लेशनरी गैप तो हुआ हमारे पास। इन्फ्लेशनरी गैप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इन्फ्लेशनरी गैप इकोनॉमी के अंदर कोई ऐसा टाइम, कोई साल आया, फॉर एग्जांपल एक टाइम ऐसा आया कि इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल ये थी, लेकिन किसी भी रीजंस की वजह से कोई फेवरेबल कंडीशन ऐसी आ गई अचानक, ठीक है, कि बियॉन्ड द जो प्रोडक्ट पोटेंशियल थे उसके आगे जाके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बनी, यार कोई खास, कोई अचानक कोई फेवरेबल कंडीशन आ गई जो इकोनॉमी के अंदर फेवरेबल थी, जो प्रोडक्ट के लिए अच्छी थी, तो हाँ एक साल फॉर एग्जांपल अचानक कोई किसी भी वजह से फेवरेबल कंडीशन आके हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये बनी, सप्लाई ज्यादा हुई वहां से डिमांड भी ज्यादा हुई, या डिमांड ज्यादा हुई वहां से सप्लाई भी ज्यादा हुई, और एक फेवरेबल कंडीशन आ गई, ठीक है, लेकिन ये एक ही दफा होगी, ये सस्टेनेबल नहीं होगी, ठीक है, एक ही दफा फेवरेबल कंडीशन हो सकती है, मतलब तसलसल के साथ तो नहीं हो सकती, क्लियर जी, कोई भी रीजन हो सकती है, बिल्कुल ठीक है ना, कोई फेवरेबल कंडीशन पूरी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी आ गई, क्लियर, तो हमारे पास हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर बना, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बना और पोटेंशियल ये थी, ठीक है, सो ये जो डिफरेंस बना